आपका भाड़ा होते हैं ना, तो उनको मतलब रिपोर्ट देखा जाता है कि बैंक में कंप्यूटर से कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, कितना निकाला है। बैंक में आप पैसों की लेन देन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं, क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? जब क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को पूरा क्लियर मुझे करो, ठीक है या नहीं? हेलो सर, रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर क्या क्या करता है? टिकट बुक करने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए, ठीक है, जितने पैसेंजर्स आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड, कितने जा रहे हैं ट्रेन में, कितनी सीट रिजर्व है, कितनी पेंडिंग है, सब देखने के लिए। जब आप क्वेश्चन करो ना, आप क्वेश्चन में जो आपके आवाज है एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा सा घबरा के नहीं बोलना आपको, बिल्कुल जैसे फ्री हो गए। जैसे आप मान लो कि ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्लास ले रहे हो, उस तरीके से आपको पूछना है, ठीक है। वीडियो टाइमिंग 5 मिनट, वहां से आपको वीडियो स्टार्ट करना है। रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए वापस करो, ठीक है, पॉइंट वाइज क्लिक करो, 451 क्लिक करो सर, क्लिक करो, आप ले करो। इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं, रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? हेलो सर, रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? रेडियो हम गाना सुनने के लिए, कमेंट्री सुनने के लिए, रेडियो पे समाचार वगैरह सुनते हैं, तो रेडियो का उपयोग। पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं। हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं। टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? क्वेश्चन आ गया, समझ में आ रहा है कैसे करना है? करो क्वेश्चन। टीवी का उपयोग है फिल्म देखने के लिए करते हैं, खबरें सुनने के लिए करते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं उनपे, उनके प्रोग्राम देखने के लिए करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करो, क्या कंप्यूटर से हम ये सारे कार्य कर सकते हैं? अलग से खुद भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो आप, ये सारी चीजें तो हम टीवी में देख सकते हैं, कि ये चीजें जो टीवी में देख सकते हैं क्या वो हम कंप्यूटर से देख सकते हैं? कंप्यूटर से भी देख सकते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने पर तमाम फिल्में देख सकते हैं, पूरी दुनिया में जो जो चैनल चल रहे हैं वो सारे चैनल्स को हम कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं। टीवी भी चला सकते हैं, ठीक है। पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून्स भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं? हाँ पूछना आपको, इसे दुआ बिठाया है नहीं, बताइए ड्राइंग करने के लिए क्या क्या करता है? हाँ बोलो, ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, और कलर पेंसिल का भी उपयोग करते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं पता, आपको खुद को एक्सप्लेन करना है, नहीं बता रही
किसी से पूछो सर सही बता रहे टीचर आप को सही सही बता रहे गलत बता रहे टीचर आप हो अभी सही है गलत आप सही है किसी से पूछो हां वही तो पूछ रहे हैं आप मुझे सही है गलत है आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनसे जो क्वेश्चन है सही है गलत है ये सोचना ये पूछना है ड्राइंग शीट को उपयोग क्यों करते हैं ये क्वेश्चन यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है ड्राइंग शीट को उपयोग क्यों करते हैं इन्होंने आंसर कर दिया आपने आप क्लास में होगा तो आप क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे से तो नहीं पूछोगे ना आपको सबको एक साथ लेके चलना है तो सबसे पूछोगे हेलो सर ड्राइंग शीट का उपयोग क्यों करते हैं किसका ड्राइंग शीट का उपयोग ड्राइंग शीट का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए उस पे ड्राइंग बनाने के लिए पेंटिंग बनाने के लिए ड्राइंग शीट के पूछा था हां यही ले करो धीरे-धीरे आप ऐसे कराते जाओगे पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए आप कर सकते हैं ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग-अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर मूवी देखना हो तो कंप्यूटर ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर इस प्रकार आप सभी लोग पेंटिंग शीट को क्लोज कर दीजिए ठीक है आप सभी पेंटिंग शीट क्लोज कर दीजिए क्लोज करना आता है ना अब आपको ना नहीं सॉरी मैं सेकंड क्लास में कोई नहीं इनको किसी को भी पेंट ओपन नहीं करना आ रहा ठीक है क्लास टू ओपन कीजिए इसको क्लोज कर दीजिए क्लास टू ओपन कीजिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू मैं आशा करता हूं आप सभी को कल कंप्यूटर क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ भी सीखा होगा क्या आप सभी को कल जो पढ़ाया गया था वो याद है या नहीं अब हम सब मिलकर कल की कोर्स में कुछ बातचीत कर लें क्योंकि इससे आप सभी को याद भी रहेगा कंप्यूटर का उपयोग कहां-कहां पर करते हैं पूछो आप हेलो सर कंप्यूटर का उपयोग कहां-कहां करते हैं बैंकों में स्टेशन स्कूलों में लाइब्रेरी में ऑफिस में बातें ठीक सही आप मेरे को क्यों देख रहे हो सही है सर सही है फिर आगे किसी दूसरे बच्चे को किसी दूसरे का आप उनको खड़ा करके पूछ सकते हैं या फिर आगे वीडियो प्ले कर सकते हो आप हां सर अभी आप क्या कर रहे हैं गलत है इनका सवाल है कि कंप्यूटर का उपयोग कहां-कहां पे करते हैं ये क्वेश्चन है ना कंप्यूटर का उपयोग हम लाइब्रेरी में कर सकते हैं रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं और फिल्म देखने में कर सकते हैं ड्राइंग बनाने में कर सकते हैं ये सारे अब ये पूरे क्लास को अभी क्लास सेकंड है ना पूरे का आप लोगे ठीक है
लेकर कंप्यूटर का उपयोग आप हर जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर, ऑफिस में, मेट्रो स्टेशन, स्कूल में और भी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर से आप क्या-क्या कार्य कर सकते हैं बताइए सर, कंप्यूटर से क्या-क्या कार्य कर सकते हैं? आपने क्वेश्चन पूछा क्या ना, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लाइब्रेरी में कार्य कर सकते हैं सर, बैंकों में और ड्राइंग कर सकते हैं, काफी कार्य कर सकते हैं। जब तक आप इनको कॉपी नहीं करेंगे तब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जी जी, फोटो बनाने में भी करते हैं, फोटो भी देगा क्या कार्य, आपको इंटरेस्ट लेकर आप भी देगा क्षेत्र में, और आपको थोड़ा तेज बोलना है, ठीक है? आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। जो तो ये आपके मतलब छोटे छोटे क्लास का प्रिंसिपल क्लास देते ना उस तरीके से कंप्यूटर करना नहीं आपको, बहुत से कार्य को कर सकते हैं, जैसे कि गाना सुनना, गेम खेलना, ऑफिस का कार्य करना और भी बहुत सारे कार्य आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? एक मिनट रुको, आप जो आईफोन है इधर से हो रहा है, आप क्लास ले रहे हो ठीक है? मैं यहाँ पर आया तब यहाँ पर आ जाओ ठीक है? नहीं नहीं ऐसे आप क्लास लोगे, आपको बोलना है कि जहाँ पर रोक रहे हैं मैं रोक दूंगा, आपकी जो वीडियो को प्ले करना आ गया, स्टॉप करना आ गया, आगे पीछे कर सकते हो।